भगवान बुद्ध जाने के बाद यहाँ पर भिक्खु संघ को पश्चाताप हुआ। पश्चाताप होने के बाद ये जो संघ है वह फिर से वैशाली चला गया भगवान बुद्ध से याचना मांगने, क्षमा मांगने। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाच रतोच निचं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो जो पूरे जम्बूद्वीप में निर्माण हुए वह इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का जो प्रयास है वह किया जा रहा है। हम जानकारी ले रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य की और उत्तर प्रदेश के यह जो अनजान और वीरान जो बौद्ध स्थल है वह आपके सामने रखने का प्रयास फिलहाल यह जो चैनल है वह कर रहे हैं। और आज का यह जो वीडियो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो वे ज़रूर देखें। आज का यह वीडियो उत्तर प्रदेश राज्य के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी यहाँ का है। यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा स्मारक निर्माण किए गए थे और साथ ही साथ यहाँ पर सम्राट अशोक इन्होंने दो स्तंभ भी लगाए थे। तो यहाँ पर स्तंभ की जानकारी लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्मारक निर्माण हुआ था जिसे घोषित राम विहार भी कहा जाता है, तो यहाँ के मतलब बहुत बड़ा ये धार्मिक केंद्र रह चुका है कौशाम्बी। और यहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन के संबंधित या फिर भगवान बुद्ध की यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे कहा जाता है संघ का विभाजन हुआ था। तो यह जो महत्वपूर्ण स्थल है पहली बार ये जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ की पहली बार हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें हम उत्तर प्रदेश में कहीं से भी बाय ट्रेन हो या फिर हम यहाँ पर जो अपना निजी वाहन है उसका इस्तेमाल कर कौशाम्बी यहाँ तक आ सकते हैं। और ये जो स्थली है जो कि बहुत बड़ी है यहाँ पर अभी फिलहाल उत्खनन कार्य जारी है। यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा कई जगहों पर यहाँ पर फेंसिंग लगाकर यहाँ के स्मारक को रक्षा देने का जो प्रयास है या फिर इनका जो संरक्षण है वो करने का प्रयास किया गया है। तो हम इन महत्वपूर्ण स्थलों का जो अध्ययन है वह करने वाले और इनकी जानकारी लेने वाले। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण वीडियो सभी देशवासी देख सकें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। कौशाम्बी के यह पुरातात्विक स्थल प्रयागराज से 55 किलोमीटर की दूरी पर और वाराणसी से 218 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्रिपिटक के दिग्गज निकाय में आनंद द्वारा कौशाम्बी की गणना प्राचीन जम्बूद्वीप के वैभव संपन्न नगरों में से एक की गई है। कौशाम्बी के श्रद्धावान श्रेष्ठी व्यापारियों के निमंत्रण और आग्रह पर भगवान बुद्ध का कौशाम्बी नगरी में आगमन हुआ था। तब यहाँ उनके आगमन हेतु कई सारे स्मारकों विहारों का निर्माण कार्य किया गया था जिनके भग्न अवशेष आज यहाँ देखे जा सकते हैं। उस समय पर कुछ भिक्षुओं द्वारा संघ में कलह डालने की कोशिश की गई थी। इसके कारण भगवान बुद्ध ने यहाँ कौशाम्बीय सूत्र यह उपदेश दिया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान इन्होंने चौथी से पांचवी शताब्दी में कौशाम्बी का वर्णन करते हुए यह लिखा है कि यह स्थल मृगदाव यानी सारनाथ से 13 योजन की दूरी पर
स्थित है, जहाँ घोषिताराम नाम का विहार है, जहाँ एक समय भगवान बुद्ध का वास हुआ था। हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के कौशाम्बी जिले के मांझापुर यहाँ के मंडल के कौशाम्बी यहाँ पर जो पहले उत्खनित स्थली है, जहाँ पर सम्राट अशोक इनका अशोक स्तंभ स्थित है, वह स्थली देखेंगे और यहाँ पर कुछ अन्य अवशेष भी है, उनकी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। आइए यहाँ पर देखिए, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एक्ट के जो बोर्ड है वे यहाँ पर लगाए गए हैं, और देखिए यहाँ पर कई सारे स्मारकों के जो मलबे हैं वे हमें यहाँ पर अमूमन दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर पहली बार कौशाम्बी यहाँ पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम इनके द्वारा मुआयजा किया गया था इन स्थलों पर, और उसके बाद में यहाँ पर सन 1951, 52, 53, 54 के आसपास लगभग उत्खनन होता रहा, और यहाँ से कई सारे जो शेष अवशेष है वे सामने आए। यहाँ पर देखिए जो अशोक स्तंभ है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, ये सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में स्तूप बनवाया था, और साथ ही साथ यहाँ पर उनके दो स्तंभ थे, दो स्तंभों में से एक स्तंभ जो है वे यहाँ पर हमें दिखाई देगा, और दूसरा स्तंभ जो है यहाँ का अलाहाबाद का जो किला है उस किले में यहाँ पर दूसरा स्तंभ जो है वह स्थित है, और साथ ही साथ यहाँ पर सम्राट अशोक इनकी पत्नी कुरोकी इनके द्वारा यहाँ पर दान दिया गया, इस प्रकार का उल्लेख यहाँ पर के एक स्तंभ पर है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कई सारे जो स्मारकों के जो मलबे हैं वे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर बड़ी संख्या में विहार उस समय पर रहा करते होंगे, लेकिन अभी यहाँ पर जो शेष अवशेष है वे हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए कौशाम्बी जो है ये बहुत ही समृद्ध और वैभवशाली ऐसी नगरी थी, जिसका जिक्र जो है स्वयं यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध के जो प्रिय शिष्य आनंद है उनके द्वारा हमें मिलती है, और साथ ही साथ यहाँ पर कौशाम्बी यहाँ पर संघ का विभाजन हुआ था उसकी भी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है। देख पा रहे हो ये उस समय के छोटे मोटे लिविंग रूम या फिर यहाँ पर बहुत बड़े जो विशालतम ऐसे संघाराम रहे होंगे यह हमें दिखाई देते हैं। देखिए ये स्थली देखिए पूरी तरीके से हमें यहाँ पर ये जो अवशेष है यहाँ पर जो स्मारक रहा होगा उसके हमें दिखाई देते हैं। देखिए बड़ा है, विशालतम है, और यहाँ पर ये जो स्थली है मतलब ये कौशाम्बी जो है वत्स साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। कई सारे स्मारक और यहाँ पर कई सारे टीले दिखाई देंगे, मतलब यहाँ पर जितना आनंद द्वारा इस स्थली के बारे में कहा गया है कि बहुत ही वैभवपूर्ण ये जो पूरा क्षेत्र जो है कौशाम्बी का वह था, और साथ ही साथ यहाँ पर 5वीं से 6वीं शताब्दी के दौर में वेनसंग द्वारा यहाँ पर जो यात्रा की थी और उनके यात्रा वर्णन में ये जो स्थली है कौशाम्बी इसका जो जिक्र है वह किया गया। देखिए यहाँ पर ये पूरा कितने विशालतम यहाँ पर स्मारक रहे होंगे उसके आपको यहाँ पर ढांचे यहाँ पर दिखाई देते हैं, और यहाँ पर देखिए और यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनका यह स्तंभ देखिए, इसे लाट कहा जाता है, तो ये देखिए इस प्रकार से हमें यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ही देखिए यहाँ पर आधा जो है आधा हिस्सा इसका कट चुका है, और अभी भी यहाँ पर देखिए लगभग 20 से 25 फीट का ये ऊँचा जो स्तंभ है सम्राट अशोक इनका वे हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए ये पूरा इसको देखेंगे क्षेत्र को, तो यहाँ पर बहुत बड़ी सेटलमेंट और बहुत बड़ा हैबिटेशन जो है वह प्राचीन काल में रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो सारे अभी भग्नावशेष हमने देखे यहाँ के स्मारक के, देखिए यहाँ पर लेक भी है, लेकिन लेक यहाँ पर बाद के समय के हैं, जो यहाँ पर जो शिलालेख स्तंभ के ऊपर अमूमन होते हैं मतलब प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके द्वारा जो निर्मित वे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बाद के समय में जो बाद के जो राजा हुए हैं उनके माध्यम से मतलब ये बहुत ही बाद के लेख जो है वे हमें दिखाई देते हैं। यह देखिए इस प्रकार से, तो आपको यहाँ पर से स्तंभ देखिए और इस स्तंभ की हाइट देखिए, और इस स्तंभ के ऊपर जो लेख लिखे गए ये बहुत बाद के समय के, देखिए यहाँ पर ये लगभग आप देख पा रहे हो, एक तो हमें जो शंखलिपि टाइप लेख दिख रहे हैं जो कि 10वीं 12वीं शताब्दी के हैं, और ये भी जो आप नीचे
लेक देख पा रहे हो, ये सारे बाद के लेक जो है यहाँ पर स्तंभ के ऊपर जो है वे हमें दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पर कौशाम्बी यहाँ पर का ये जो पहले उत्खनन स्थली है, मतलब इस प्रकार के अनेकों उत्खनित स्थली यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध जो है घोषित राम विहार नाम से जो स्थली है वे सबसे प्रसिद्ध है। जब भगवान बुद्ध ने यहाँ पर कौशाम्बी में यात्रा की थी, एक तो वह उनके ज्ञान प्राप्ति के बाद छठे वर्ष में और साथ ही साथ नौवें वर्ष में यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी, और उस समय पर यहाँ के जो श्रेष्ठी थे घोषित, उनके द्वारा यहाँ पर विहार का निर्माण कार्य किया गया था। और साथ ही साथ अन्य जो मतलब अन्य तीन लोगों ने भी भगवान बुद्ध को यहाँ पर बुलाया था और उनके द्वारा भी यहाँ पर विहार निर्माण किए गए थे। यानी यहाँ पर कुल चार बड़े विहारों का निर्माण कार्य किया गया था, जिसमें से यहाँ पर घोषित राम नाम से जो प्रसिद्ध ऐसा विहार है वह यहाँ पर पाया गया, और साथ ही साथ वहाँ यहाँ पर एक मुहर भी पाई गई है इस विहार में, जिसके ऊपर मतलब कौशाम्बी और घोषित राम का जो उल्लेख है वे हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो अभी हम यहाँ पर से चलेंगे, यहाँ पर पूरे भग्न अवशेष है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो जानकारी है वह नहीं दी गई है। तो यहाँ पर से अभी हम जो दूसरी स्थली है यहाँ पर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका नाम है घोषित राम विहार, देखेंगे। चलिए, यहाँ आमतौर पर घोषिताराम, कुकुट, पवारीय इन जैसे विहारों का निर्माण कार्य किया गया था। वहीं दूसरे प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसोंग ने ईसवी 7वीं शताब्दी में यहाँ यात्रा करने पर कई सारे विहारों के भग्न अवशेष देखे थे। हालांकि उस समय हीनयान संप्रदाय के 300 भिक्षु इन विहारों में वास किया करते थे। साथ ही उन्होंने यहाँ 60 फुट ऊंचा विहार भी देखा था, जिसमें उदयन द्वारा बनाई गई चंदन की बुद्ध मूर्ति स्थापित की गई थी। साथ ही इस घोषिताराम विहार को भी उन्होंने देखा था। यहीं महायान शाखा के प्रसिद्ध आचार्य वसुबंधु भी रहते थे। काला अशोक इनके समय वैशाली के वज्जिपुत्तक भिक्षुओं ने द्वितीय संगीति के महास्थवीरों का निर्णय अमान्य कर दिया था और उन्होंने एक पृथक संगीति का आयोजन किया था, जिसमें 10,000 भिक्षु एकत्रित हुए थे। उन्होंने इस संगीति में अपने मत अनुकूल निर्णय लिए। यह सभा महासंघ या महासंगीति कहलाई और सभा के निर्णय मानने वाले महासंघिक कहलाए और अन्य हीनयान संप्रदाय से विख्यात हुए, यानी आज का थेरवाद। देखिए, अभी हम यहाँ पर दूसरे उत्खनित स्थली पर आए हुए हैं, जहाँ पर एक घोषिताराम विहार जो है वह स्थित है। यह वह स्थली है, यहाँ पर आप भारतीय पुरातन विभाग का यह सूचना फलक देख पा रहे हो। यहाँ पर देखिए, यह जो पूरा क्षेत्र है वह अच्छे से यहाँ पर डेवलप करने का जो प्रयास है वह चल रहा है, और यहाँ पर कई सारे जो ऐसे स्थल है आज भी अपने उज में और अपने मूल अस्तित्व की तलाश में हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए, यह बोर्ड लगाया गया है, यह बोर्ड यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा लगाया गया है, जिसमें देखिए कौशाम्ब्याय घोषिताराम विहारे भिक्षु संघर्ष शिलाकार पिता, यह जैसे मैंने आपको जिक्र किया यहाँ पर से एक मुहर मिली थी और उस मुहर पर यह जो लेख है वह अंकित था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चैत्य और विहार दोनों यहाँ पर स्थित है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक संरक्षित स्मारक का बोर्ड भी लगाया गया है, और यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर इसे अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर पर्यटक जो आते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था जो है वे यहाँ पर करने का जो प्रयास है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है इनके माध्यम से किया जा रहा है, और आने वाले समय में यह जो स्थल है इस स्थली को अच्छे से विकसित कर यहाँ पर पर्यटन बढ़ाने की जो कोशिश है यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ इनके माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, अभी हम इस विहार के समीप आए हुए हैं, और ये जो विहार है देखिए यहाँ पर
ये विहार का जो अभी मलबा जो है, जो अवशेष है, उसे अच्छे से यहाँ पर फिर से रिस्टोर किया गया है। यह जो घोषित राम यह जो विहार है, महाविहार, आप देख पा रहे हो, यहाँ पर शायद से उस समय पर कई सारे स्तूपों के मलबे और बहुत कुछ रहे होंगे। यहाँ पर यह जो स्थली है, मतलब हम इस कौशाम्बी का अगर इतिहास देखेंगे तो कौशाम्बी के जो वत्स राज थे उदय, उनके माध्यम से यहाँ पर शुरुआती में जब भगवान बुद्ध ने यहाँ पर यात्रा की थी, जब वे कौशाम्बी आए थे पहली बार, तब उदय ने भगवान बुद्ध का विरोध किया था। और मतलब उदय युद्ध पर निकले थे, तब यहाँ पर भगवान बुद्ध आए थे, और तब जाकर भगवान बुद्ध के उपदेश जो है उदय ने सुने, और उदय भगवान बुद्ध के जो उपदेश है उपदेशों से काफ़ी प्रभावित हुए, और उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये बहुत विशाल ऐसा ये विहार देख पा रहे हो। देखिए इसकी हाइट जो है लगभग 5 से 5.5 फीट पूरे विहार की जो हाइट है वे दिखाई देती है। और भी उत्खनन जो है यहाँ पर जारी है, और ये बहुत बड़ी और बहुत ऐतिहासिक स्थली आज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए उदय के बाद, मतलब उदय के बाद उदय का जो लड़का है, बेटा जो है, बेटा भी यहाँ पर बौद्ध धर्म स्वीकार लेता है, और वह भी मतलब यहाँ पर बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलता है। देखिए यहाँ पर जब संघ का विभाजन हुआ तो यहाँ पर भगवान बुद्ध द्वारा एक तो कौशाम्बीय सूत्र जो है वह दिया गया, या फिर बोधिराज कुमार सूत्र जो है वह दिया गया, या फिर स्कंद सूत्र जो है वे यहाँ पर भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए हैं। और उसमें अमूमन भगवान बुद्ध की जो है नाराज़गी दिखाई देती है। यहाँ पर जब भगवान बुद्ध ने जब संघ में विभाजन हुआ तो बहुत सारे प्रयास किए, और उसके बाद में भगवान बुद्ध जो है वैशाली चले गए। इसके बाद यहाँ पर जब संघ का विभाजन हुआ था तब उन्हें मतलब भगवान बुद्ध जाने के बाद यहाँ पर भिक्खु संघ को पश्चाताप हुआ। पश्चाताप होने के बाद ये जो संघ है वह फिर से वैशाली चला गया भगवान बुद्ध से याचना मांगने, क्षमा मांगने, और उसके बाद यहाँ पर जो विभाजन या फिर यहाँ पर जो भेद हुआ था उसका निराकरण जो है वह भगवान बुद्ध यहाँ से चले जाने के बाद हुआ है। और देखिए यहाँ पर ये स्मारक, देखिए इस स्मारक का हमें ये पूरा जो ढांचा आप देख पा रहे हो, यहाँ पर विविध प्रकार की सीढ़ियाँ, चलिए हम उतर के आपको दिखाते हैं। आइए यहाँ से, अभी आप यहाँ पर मेरे पीछे जो शुरुआती में यहाँ पर जब हम प्रवेश करते हैं स्मारक में, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्तूपा गैलरी रही होगी, और यहाँ पर ओटियो स्तूप थे। देखिए आप ये चौकोण आकार के ये स्तूप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर कई सारे स्तूप छोटे बड़े और बड़ी मात्रा में यहाँ पर स्थित थे। यहाँ देखिए ये व्यापारी थे घोषित राम, इनके द्वारा ये निर्मित विहार है, और बहुत बड़ा विहार आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर भगवान बुद्ध को बुलाया गया था, ये घोषित राम के बुलाने पर, उनके आमंत्रण पर भगवान बुद्ध जो है कौशाम्बी में आए थे। इसके बाद भगवान बुद्ध को ठहरने के लिए यहाँ पर ये जो विहार है घोषित राम विहार, इसका जो निर्माण कार्य है वह किया गया था। देखिए अभी यहाँ पर हम जितना समझ सकते हैं, देखिए बहुत बड़ा जो विहार और इसके विविध प्रकार के जो आप स्थापत्य देख पा रहे हो उस समय के, मतलब यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार की खोलियाँ दिखाई दे रही है, या फिर उस समय जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम किया गया था इस तरीके का वे आप देख पा रहे हो, और बड़े बड़े आप यहाँ पर चौथरे देख पा रहे हो ये। और आइए यहाँ पर खोलियाँ दिखाई देंगी, आइए ये देखिए जो है ये देखिए इस प्रकार से, और यहाँ से पानी जाने के लिए देखिए एक नक्कसी द्वार जो है वह दिखाई देता है, मतलब यहाँ पर वाटर ड्रेनेज जो सिस्टम है उसको अच्छे से डेवलप किया गया था। ये विहार का जो अभी आप ढांचा देख पा रहे हो, ये पूरा विहार नहीं है बल्कि यह बचा कुचा जो शेष अवशेष है वे आप देख रहे हो यहाँ पर। और इस विहार की जो खुलिया है, मतलब हमने अन्य जो विहार देखे हैं उससे थोड़ी छोटी, और देखें और कई कई जगह पर बड़े बड़े कक्ष हमें दिखाई देते हैं। और ये विहार का जो आप मैप देखोगे तो ये बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही यूनिक जो विहार है वे हमें यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर एक तो 3 चरण के जो लेयर है
लेयर पाए गए यहाँ पर उत्खनन स्थली पर, मतलब यहाँ पर प्री मौर्यन, मौर्यन और मौर्यन के बाद के जो यहाँ पर से जो अवशेष हैं वे बरामद किए गए। अभी यहाँ पर देखें आप, ये जो स्मारक देख पा रहे हो, इस स्मारक की जो नींव है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में रखी गई थी, यानी उसी समय पर भगवान बुद्ध के काल में, और बाद में यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा अभी बड़े पैमाने में इस पूरे स्थली पर काम किया गया था। और यहाँ पर बाद में देखें गुप्तों द्वारा भी यहाँ पर जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है कार्य जो है वह किया गया है। अभी आप यहाँ पर सिर्फ स्मारक जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, वही आप देख सकते हो। यहाँ पर चैत्यनुमा अवशेष दिखाते हैं हम आपको, आइए यहाँ पर, ये विहार प्लस चैत्य, मतलब आप ये यहाँ पर देखिए, आप ये जो ढांचे देख पा रहे हो यह स्तूपों के ढांचे है, आप ये देख रहे हो ये ओटी स्तूप जैसा ढांचा है, मतलब स्तूपमा ये विशिष्ट प्रकार है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर प्रार्थना की जाती थी इस चैत्य में। देखिए यह विशिष्ट प्रकार का जो चैत्य है, पहली बार आप इस चैनल के माध्यम से देख पा रहे हो। ये पहले जिस प्रकार से चैत्य हुआ करते थे, हमने इससे पहले आपको चैत्य दिखाए, इस चैत्य में देखिए गर्भगृह आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ पर इस प्रकार का ये चैत्य हमें यहाँ पर दिखाई देता है जहाँ पर प्रार्थनाएं की जाती थी। और इसके बगल में दूसरा एक चैत्य है, वह भी देखिए यहाँ पर, ये दूसरा एक अनूठा अनोखा चैत्य है और विशिष्ट प्रकार का है। और ये चैत्य जो है हाइट में बहुत बड़ा रहा होगा। देखिए यहाँ पर नंबरिंग जो है यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा हुई है। ये देखिए, ये आपको आकार देखिए इसका, यू आकार दिखाई दे रहा है इस चैत्य का। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो उस समय पर मूर्ति रही होगी, जिस इसके अंदर मूर्ति रखकर यहाँ पर से जो है वे प्रार्थना करने का ये पूरा स्थल है ये चैत्य का। ये देखिए, ये ऐसा चैत्य जो है आपको हमने पहले भी दिखाए हैं, विशिष्ट विशिष्ट प्रकार के और विशिष्ट आकार के चैत्य दिखाए हैं, लेकिन ऐसा जो चैत्य है ये पहले बार आप इस चैनल द्वारा देख पा रहे हैं। ये लगभग 8-9 फीट इतना लंबा है और इसका यू आकार देखें। और इसके अंदर देखें यहाँ पर नक्कस से जो काम है ईंटों में वह किया गया, इसके दोनों हिस्सों में आप देखोगे तो ये नक्कसी कार्य दिखाई देता है। और ये अलग सा जो चैत्य है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ आप देख सकते हो ये भी प्रार्थना स्थल ही है पूरा, ये सारे के सारे प्रार्थना स्थल है। जैसे रिस्टोर कर, मतलब यहाँ पर इसे रिस्टोर किया गया है, अच्छे से इसकी मूल संरचना देने का जो काम है यहाँ पर पुरातन विभाग द्वारा जो है, भारतीय पुरातन विभाग द्वारा यहाँ पर करने का जो प्रयास है वे किया गया है। यह पहली बार सन 1837 में सामने आई, उसके बाद सर अलेक्जेंडर कनिंगम हो, दयाराम साहनी हो या फिर मजूमदार हो, यानी सन 1922-23, सन 1935 के आसपास, साथ ही साथ सन 1951 से लेकर 1954 तक यहाँ पर जो उत्खनन कार्य है वो होता रहा शर्मा जी इनके माध्यम से भी। और बाद में यहाँ पर ये जो सारी स्थली है, यह स्थली सामने आ पाई और अब तक यहाँ पर उत्खनन कार्य जो है वह जारी है। यहाँ पर आप देखोगे तो कई सारे छोटे मोटे टीले और कई सारे जो शेष अवशेष है वे यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। और कौशाम्बी के बारे में जो संदर्भ हमें मिलते हैं, एक तो जैन साहित्य हो या फिर पुराण हो या फिर बौद्ध साहित्य हो, इसमें कौशाम्बी का जो उल्लेख है एज एक बहुत विशाल ऐसा समृद्ध वैभवशाली नगर इसके तौर पर किया गया था। और आप अगर इसका देखोगे यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र अगर आप घूमोगे 10 से 15 किलोमीटर का दायरा, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे जो भग्न अवशेष या फिर बहुत सारे जो टीले हैं वे दिखाई देंगे, जो यहाँ पर इसकी वैभवता को आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर ये जो स्मारक है, मतलब यहाँ पर ये घोषितराम विहार जो हम देख पा रहे हैं, ये विहार काफ़ी बड़ा रहा होगा। इसके अंदर कई सारे सभा मंडप थे, कई सारे अलग अलग प्रकार के कक्ष थे, मतलब यहाँ पर ये थेरवादी भिक्खु रहा करते थे, यानी जो सीनियर मंक रहा करते होंगे वो, और साथ ही साथ यहाँ पर जो जो नॉर्मल मंक रहते होंगे वो, साथ ही साथ यहाँ पर यह स्थली जो है
यह एक प्रशिक्षण का केंद्र रह चुके हैं। यहाँ पर जो श्रामणेर मंक रहते होंगे, जो यहाँ पर अध्ययन करने आते होंगे, तो उनके सारे कक्ष और बहुत बड़ा जो पूरा स्मारक है वह हमें दिखाई देता है। यहाँ पर पूरी सेटलमेंट हमको दिखाई देती है। यहाँ पर आपको वाटर हार्वेस्टिंग की जो सिस्टम है, या फिर यहाँ पर ड्रेनेज जो सिस्टम है वह हमें यहाँ पर दिखाई देती है। मतलब यहाँ पर पानी के कुएँ भी रहे होंगे, लेकिन वक्त के मार के साथ वो भी अभी हमें यहाँ पर नष्ट हुए दिखाई देते हैं। आगे की ये पूरी स्थली देखिए, यहाँ पर सामने आपको और भी टीले दिखाई दे रहे हैं, और भी कुछ दीवारों के अवशेष जो है देखिए वहाँ पर सामने आए हुए हैं। और यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किया गया जो वह सामने आना बाकी है। संघ में चल रहे कलह को शांत करने हेतु भगवान बुद्ध द्वारा कौसंबीय सूत्र में सार्वजनिक और निजी तौर पर संघ में शरीर वाणी मन से दयालु व्यवहार करने की बात की गई है, और सौहार्दपूर्ण गुण क्या होते हैं यह समझाया गया है। इसके बाद कुछ समय तक संघ का कलह शांत हुआ दिखाई देता है, लेकिन भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद शिशुनाग वंश के कालाशोक इनके शासनकाल में द्वितीय धम्म संगीते के दौरान यह कलह फिर निर्माण हुआ, जिसने महासांगिक को जन्म दिया, यानी आज के महायान पंथ को। सम्राट अशोक के समय तक आते आते संघ में इतना उग्र मतभेद हो गया था कि अंत में वह 18 भागों में विभक्त हो गया, जबकि सभी पंथ आज भी भगवान बुद्ध को अपना शास्ता यानी शिक्षक मानते हैं, निर्वाण को ही अपना चरम लक्ष्य मानते हैं। उनकी नज़रों में चार आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग ही निर्वाण के प्राप्ति का उपाय है। सभी प्रतीत्य समुत्पाद को ही ज्ञान के साक्षात्कार का सुलभ उपाय मानते हैं। यह भेद भौगोलिक तथा भाषा विषयक ज़्यादा दिखाई देते हैं। कई पैमाने में 10 वस्तु विषयक भेद है, लेकिन सैद्धांतिक भेद बिल्कुल नहीं। Thank you.